दोस्तों, इसरो का नाम सुनते ही हमारा सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है। फिर एक बड़ा सवाल आता है हमारे मन में कि इंडिया क्यों ये सैटेलाइट, फिर स्पेसक्राफ्ट जैसे कि चंद्रयान 3, इन सबको क्यों मून पे भेजना चाह रहा है। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस, अब आप देखोगे ना तो हमने मिशन मून के तहत पहले तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया, फिर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया और अब बारी है चंद्रयान 3 की। तो यार, सबसे पहले आप है ना, हम लोग ये बात करेंगे कि इंडिया क्यों ये सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट, इन सबको क्यों मून पे भेज रहा है। इंडिया यहाँ पे क्या अचीव करना चाहता है, क्या इंडिया को मिल जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग चंद्रयान 3 की बात करेंगे कि कब लॉन्च होगा, क्यों यहाँ पे डिले हो रहा है। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि 2022 में इंडिया के और कितने मिशन यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं। तो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, हमारा जो चंद्रयान मिशन है, इसके अंडर हमने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था 2008 में, फिर हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया 2019 में और अब इसी साल हम लोग लॉन्च करने वाले हैं चंद्रयान 3 को। यानी कि इसी साल 2022 के अगस्त महीने में हम लोग लॉन्च करेंगे चंद्रयान 3 को। अब आप देखोगे ना तो चंद्रयान 1 के लॉन्च के बाद इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक मेजर बूस्ट मिला था। अब ये क्यों हुआ था, क्योंकि हमने ना वहाँ पे मून को एक्सप्लोर करने के लिए खुद का रिसर्च किया था, खुद की टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप की थी और इसकी वजह से इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक मेजर बूस्ट मिला था। अब यहाँ पे ना लोगों के मन में एक बड़ा सवाल आता है कि क्यों इंडिया चंद्रयान 1, फिर 2 और अब 3 भी लॉन्च कर रहा है, इंडिया को क्या मिलेगा इससे। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसके पीछे एक बड़े उद्देश्य होते हैं। अब यहाँ पे ना पहली बात तो ये होता है कि यहाँ पे ये जानना है हमको कि यार मून के सरफेस में क्या है, क्या वहाँ पे कुछ मिनरल्स वगैरह हैं या नहीं है, वहाँ की जो पथरीली ज़मीन वगैरह है वो कैसी है, फिर वहाँ का मौसम कैसा है, ये सब चीज़ें हमको जाननी होती है और इसके बाद ना आगे की प्लानिंग की जाती है। तो इसरो पहले इन सब चीज़ों को देखेगा और उसके बाद अपने आगे की प्लानिंग करेगा कि यार अब हमको यहाँ पे कौन सा मिशन लॉन्च करना है। तो यार चलिए, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन की। तो यार, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है, ये एक फॉलोअप मिशन होने वाला है चंद्रयान 2 का, जो हमने लॉन्च किया था जुलाई 2019 में। अब आप अगर चंद्रयान 2 की बात करोगे तो चंद्रयान 2 में सब कुछ सही था, बट हमारा जो लैंडर विक्रम था ना, वो प्रॉपर लैंड नहीं कर पाया था मून के सरफेस पे। और अब चंद्रयान 3 में हम लोग चंद्रयान 2 में जो जो गलतियां की थी उनसे सीख लेते हुए हमारे लैंडर को प्रॉपर तरीके से, मतलब आराम से मून के सरफेस में लैंड करवाने की कोशिश करेंगे। अब इसके अलावा आप देखोगे ना तो चंद्रयान 3 को लेके जो हार्डवेयर और फिर जो अलग अलग स्पेशल टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। और अब ना टीम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग की तरफ बढ़ रही है। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग मतलब कि सब चीज़ों को क्लब करके टेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्टर एस सोमनाथ, जो इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 के लिए ना कुछ सीरीज ऑफ रिव्यू चल रहे हैं और यहाँ पे जो भी इम्प्रूवमेंट वगैरह की ज़रूरत है वो किए जा रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए नेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट वगैरह है ना, उनकी राय भी ली जा रही है। तो अच्छी बात है। अब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये बताया कि यार ये जो हमारा चंद्रयान 3 वाला मिशन है ना, ये थोड़ा कोविड-19 की वजह से डिले हो गया है। और इन्होंने ये भी बताया कि इसी साल यानी कि 2022 में इसरो टोटल 19 मिशंस कंडक्ट करने वाला है। अब इसमें चंद्रयान 3 तो सबसे बड़ा ही होने वाला है। अब हम तो यही चाहेंगे कि यार ये 19 के 19 मिशंस सक्सेसफुल रहें और इसरो फिर से भारत का सर ना और गर्व से ऊंचा कर दे। वैसे आप क्या सोचते हैं यहाँ पे इस मिशन के बारे में और फिर इसरो के बारे में, जो भी सोचते हैं ना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बट जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पे हमेशा ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।